सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, आज मेरी बुक्स आई हैं, ये इग्नू बोर्ड से आई, क्योंकि मैं जो स्टडी कर रही वो इग्नू बोर्ड से कर रही हूँ। तो सेमेस्टर वन की है या सेकंड की है वो हमें देखकर ही पता चलेगा इन बुक्स को। और अभी तक मैंने ये ओपन भी नहीं करा था, ये मैं आपके सामने ही ओपन करके इसको दिखाऊँगी। और ये देखिए, पूरा ये पैक हो रखे है चारों तरफ से, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से खुलेगा। ये देखते हैं इसको कहाँ से खोल सकते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये बुक्स खुल गई है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये इतनी सारी आई है। देखिए, ये जब एडमिशन कराते हैं ना हम इग्नू बोर्ड में, तभी अगर आपको बुक्स ऑनलाइन चाहिए तो फिर उसकी इसकी फीस भी हम उसी टाइम सबमिट करना होता है हमें। ये एक साथ तो निकले नहीं, एक एक करके निकालते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, ये देखना पड़ेगा हमें, ये सेमेस्टर कौन सी है। आई थिंक ये सेमेस्टर देखना पड़ेगा, तो पूरी बुक्स निकाल के इसको भी निकाल लेते हैं। और ये पार्ट बी की है, ये सारी बी कॉम्स की बुक्स है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट ए की है, ये पार्ट बी की है, दोनों बुक्स है ये तो, सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू। और ये देखते हैं ये कौन सी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी बुक्स है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बुक्स के नेम बताऊंगी। ये देखिए, ये कोड है बुक का। ये देखिए, ये है BCOC 135, कंपनी लो बुक का नेम है। ये बुक आई है इग्नू से, और ये BCOC 138 कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी है। और ये है फ्रेंड्स, इधर दिखाती हूँ मैं, ये है BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस पार्ट बी, बी है। और ये फ्रेंड्स है BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस पार्ट ए है, सेम बुक है, सेमेस्टर वन है सेमेस्टर टू। एंड ये हिंदी की बुक है, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल खंड ए एफ टू, मतलब दो भाग है। इसका कोड है BHDLA 137। सो फ्रेंड्स, आपने देख ली है कौन कौन सी बुक है मेरी। टोटल देखते हैं, 1 2 3 4 5 बुक्स आई है मेरे पास अभी। सो फ्रेंड्स, मैंने ये तो बता दिया कि ये बुक्स कैसे आई है, मतलब ये ऑनलाइन आई है, और आपके जो पोस्ट ऑफिस होता है वहीं पर ये बुक्स आती है, और पोस्ट ऑफिस से आपको जाकर लेना पड़ता है, ठीक है। और ये जो जब एडमिशन कंफर्म होता है, जुलाई में मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ था, तो ये दिसंबर के एंड में आई थी। मीन्स एक फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस से वैसे आता है फ़ोन, और बोलते हैं अपनी बुक्स ले जाओ, ठीक है। तो मतलब 6 महीने कम से कम लग जाते हैं बुक्स आने में। आई थिंक सेमेस्टर वन की है, ठीक है, तो इतना टाइम लगता है बुक्स आने में। और आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो तो लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ये मेरा ब्लॉग चैनल भी, अगर मेरे ब्लॉग्स आपको रेगुलर देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।